Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know, that we are on chapter number four, and the name of our chapter is Matter and its Characteristics. Today, I am going to deliver its second lecture, and in this lecture, students will be able to learn about the matter and its states. Today, we are going to study about liquids. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So have a look at this. So quickly tell me what are solids? Anything that has a definite or fixed shape that is called a solid. Kisi bhi cheez ki agar shape fix hai, ek jaga par hai, is tarike se then that is called a solid. Then quickly tell me, what is freezing? जब भी कोई चीज जम जाती है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत लो हो जाता है जिसकी वजह से वो सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाती है दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग ओके माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड टेल मी व्हाट आर लिक्विड्स एनीथिंग दैट कैन फ्लो ठीक है दैट इज कॉल्ड अ लिक्विड नाउ कैन ऑल लिक्विड्स फ्लो और नॉट क्या तमाम लिक्विड्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं

सो माई डियर स्टूडेंस लेक्चर कैटर टूडेज स्टूडेंट लैनिंग आउटकम एंड एबल टू डिब मैटर एन एट स्टेट सो कौन सी स्टेट आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज लिक्विड प्री रीडिंग क्वेश्चन हाउ लिक्विड्स कैन चेंज देयर स्टेट लिक्विड अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्विकली टेल मी लिक्विड अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं वेन दे आर सब्जेक्टेड टू Excessive heating, yeah, other high temperature, hota hai, then liquids can change their state. So now let's start the reading. I request you all to please open page number 53 in your science four books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Liquids. In liquids, the constituent particles are loosely packed as compared to solids, their movement is limited. एज यू कैन सी इन फिगर फोर पॉइंट थ्री सो है यू कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ठीक है इस कंटेनर में लिक्विड है जिसने इस लिक्विड की शेप uh, जो है उसको इख्तियार कर लिया आप इसको अगर किसी दूसरे शेप में डाल देंगे तो ये वैसा हो जाएगा सो इन दिस वे वी कैन से लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स जो है लूज होते हैं बट स्टिल दे आर क्लोज टू ईच अदर दे कैन फ्लो मोर ओवर लिक्विड कैन नॉट बी कम्प्रेस बिकॉज ऑल पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से करीब हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा करीब होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो लूजली क्लोज uh, होते हैं यानी कि बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होते दे आर लूजली क्लोज चेंज ऑफ स्टेट इन लिक्विड सो लिक्विड भी अपनी स्टेट जो है वो चेंज करते हैं कैसे चेंज करते हैं लाव लोग When we put a container full of water on the flame after some time it starts boiling if we can continue heating it gradually changes into vapor that is gas this change in state from a liquid into gas at given temperature is called boiling सो माई डियर स्टूडेंट्स लिक्विड भी अपनी स्टेट को चेंज करते हैं अगर हम वाटर एज अ लिक्विड इसकी एग्जाम्पल लें तो यू कैन से कि अगर आप इसको एक कंटेनर में डालें और फिर उसके बाद इसको हीट पे रख दें आग पे रख दें तो कुछ देर बाद ये बॉयल करना शुरू करेगा और अगर आप इसको बॉयल होने दें और टेम्परेचर इसका मेनटेन uh, रखें तो उसके बाद uh, यानी कि इसको uh, आग पर ही रखें तो कुछ देर के बाद क्या होगा इट विल टर्न इन टू वेपर्स दैट इज अ गैस और इसी तरीके से अगर किसी चीज़ को आप आ, जो है वो काफ़ी देर तक आ, एक टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होने देते हैं जिसपे वो गैस में टर्न हो जाता है देन दैट इज कॉल्ड बॉयलिंग पॉइंट सो बॉइलिंग की क्या एग्जांपल है द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयलिंग सो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि लिक्विड जो है अपनी आ, आप यहाँ इस बॉटल के अंदर देख सकते हैं कि इट कैन फ्लो ठीक है इट कैन फ्लो एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर जिसमें इसको डाला जाता है अगर मैं इसको इससे छोटे कंटेनर में डाल दूंगी तो ये उसकी शेप जो है वो ले लेगा इफ आई पोर इट इन दिस कव कैप तो इसने इसकी शेप ले ली बट स्टिल ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर नॉट वेरी फार अपार्ट यानी कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है स्टिल दे आर क्लोज टू ईच अदर टाइटली पैक्ड नहीं है दे आर लूजली पैक्ड

है यू कैन सी लिक्विड जो है किसी भी कंटेनर में जिसको इसको डाला जाता है ये उसकी शेप ले लेता है दूध है दैट इज ऑल्सो लिक्विड अगर आप इसको बॉटल से ग्लास से पोर करेंगे तो ये ग्लास की शेप अख्तियार कर लेगा दैट मीन्स लिक्विड की अपनी कोई डेफिनेट फिक्स शेप नहीं होती पेट्रोल डीजल फ्यूल्स दीज आर ऑल्सो लिक्विड हनी दैट इज ऑल्सो लिक्विड एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर सो चेंज ऑफ द स्टेट इन लिक्विड अगर आप इसको हीट करेंगे इट विल स्टार्ट बॉयलिंग एंड इफ यू की गैस सो नाउ इज टाइम फॉर एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नंबर वन इट इज गिवन इन योर साइंस फॉर बुक चैप्टर नंबर फोर लिक्विड कैन नॉट बी कम्प्रेस लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे थिंग्स रिक्वायर्ड आर अंज आपको एक सरेंज चाहिए piston, कि उसके पीछे उसका प्रेशर होना चाहिए रिमूव द रीडल ऊपर से आप उसकी सुई को रिमूव कर दें वॉट टेक वॉटर इन ए ग्लास वॉट टू डू फिल इन द सरेंज ऑलमोस्ट हाफ विद वॉटर आपने सरेंज को आधा पानी से भर लेना है इस तरीके से प्रेस आउट द पिस्टन ज द वॉटर अब आप पीछे से इसका जो ये पिस्टन है इसको प्रेस करें ताकि कीप द माउथ आउटलेट ऑफ विद योर थम हमने आपने नोट किया होगा हमने इसी वजह से नीडल को रिमूव कर दिया था ताकि हम इसके जो आउटलेट है उसके आगे हाथ रख सकें ठीक है अब आपने इसको जोर से अपनी उंगली से बंद कर देना है या अपने थम से बंद कर देना है प्रेस द पिस्टन अब आपने पीछे से इस पिस्टन को प्रेस करना है कॉन्टिन्यू प्रेसिंग द पिस्टन वाइल थम प्लेस्ड ऑन द अदर एंड अब आपका अंगूठा एक साइड पर लगेगा और दूसरी साइड से आप पिस्टन को प्रेस करते रहेंगे ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी डिड यू फेस डिफिकल्टी वाइल प्रेसिंग ऑन द पिस्टन क्या आगे थम रखने से आउटलेट के आगे आपको पिस्टन को प्रेस करने में कोई डिफिकल्टी हो रही थी वट डिड यू ऑब्जर्व आप इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं कंक्लूजन वट डिड यू लर्न फ्रॉम इट सो माई डियर स्टूडेंट्स येस जब आप पिस्टन को मूव करेंगे क्योंकि आगे से आपने उसको रोका हुआ है वाटर जो है वो बाहर नहीं निकल सकता तो दैट मीन्स आपको उसको प्रेस करने में पीछे से डिफिकल्टी होगी एंड दिस शोज दैट वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस उसको कंप्रेस जो है वो नहीं किया जा सकता है यू कैन सी अगर आप इसके अंदर पानी डालेंगे और आउटलेट को कवर कर देंगे तो देन यू विल वेन यू विल कीप ऑन प्रेसिंग द पिस्टन फ्रॉम द बैक दिस इज द पिस्टन बाय द वे वैन यू विल कीप ऑन प्रेसिंग इट इट यू विल फेस डिफिकल्टी इन प्रेसिंग इट बिकॉज इट केन नॉट बी कंप्रेस बिकॉज द वॉलीक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर इसके मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के क्लोज हैं और देन देयर इज नो यानी कि वो आगे और जो है वो एक दूसरे के करीब इससे ज्यादा नहीं जा सकते सो लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक विद ईच अदर सो देर कैन नॉट बी कंप्रेस इन सरेंज और उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता सरेंज में अवैल्युएशन वॉटर वॉट आर लिक्विड्स लिक्विड इज एनी थिंग दैट कैन फ्लो And takes the shape of the other container. How states of liquid can be changed? Liquid ki state jo hai wo kis se change ki ja hai? by putting it on heat. What is boiling? At a certain temperature, when a liquid turns into gas, that temperature is called boiling. Now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from BioTeacher. सो राइट डाउन यूर नेम एंड योर रोल नंबर वट आर लिक्विड लिक्विड किसको कहते हैं हम ठीक है राइट डाउन द डेफिनेशन वाई लिक्विड्स के नॉट बी कंप्रेस लिक्विड क्यों नहीं कंप्रेस किए जा सकते बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर वट इज बॉयलिंग अ टेम्परेचर एट विच अट लिक्विड टर्न इन टू गैस दैट सर्टन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयलिंग फाइन लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग इसमें से आपको लिक्विड को सर्कल आउट करना है let me do the first one for you honey is liquid circle it out like this so circle all the liquids pause the video and quickly finish the worksheet I hope everybody has done it now let's uh, move forward towards the homework so for homework you will do independent activity number two given on page number 52 and find out different types of liquids and discuss with your parents their change of state about liquid may uh, different liquids you have to do it could be juice honey विनेगर एंड यू नीड टू डू आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि इनकी स्टेट जो है वो कैसे चेंज होती है ठीक है और इंडिपेंडेंट एक्टिविटी आपने किस तरीके से करनी है टेक वॉटर इन अ पैन एक पैन में आपको वाटर लेना है और उसको बॉयल करना है सुंदर वाटर विल स्टार्ट बॉयलिंग एंड विल कन्वर्ट इन टू स्टीम कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपको ऊपर भाप उड़ती हुई नजर आएगी दैट इज स्टीम एंड दैट मीनस दैट वाटर इज कन्वर्टिंग इन टू गैस दिस इज कॉल्ड बॉयलिंग इट लीड्स टू स्टीम फॉर्मेशन और ये स्टीम फॉर्मेशन यानी कि गैस फॉर्मेशन वेपर फॉर्मेशन में मदद करती है ये प्रैक्टिकल आपने अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में करना है यू विल नॉट डू इट अलोन ओके सो फॉर रैपअप टू डे वी हैव लर्न दैट पार्टिकल्स इन लिक्विड आर लूजली पैड दे कैन नॉट बी कमस्ट लिक्विड कैन बी चेंज द लिक्विड कैन चेंज द स्टेट बाय बॉयलिंग Change of state of liquid into gases at given temperature is called boiling. So, my dear students, I hope you have learned a lot of things about the liquid and their change in state. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.